हाय दोस्त, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज अपने पास स्विफ्ट आई है डिज़ायर, स्विफ्ट डिज़ायर 2019 मॉडल। इसका ओडोमीटर कैलिब्रेशन करेंगे। ये आप देख सकते हैं डीजल है, 19 मॉडल है। और मैं इसका ओडोमीटर कैलिब्रेशन कैसे होता है DP5 के बदौलत मैं आप लोग को लाइव करके दिखाता हूँ। इसमें हर एक स्टेप में आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं चाबी ऑन करता हूँ, कितना ओल्ड किलोमीटर है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ओल्ड किलोमीटर 45,123 किलोमीटर है। अब मेरे को अभी 45,120 किलोमीटर करने का है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने DP5 में जाते हैं, ओडोमीटर के अपडेट में जाते हैं। ओडोमीटर में क्लिक किया, आई एग्री में क्लिक किया और अपने एसिया गाड़ी एसिया में गया और ये सुजुकी में गया और इंटर दबाया। ये गाड़ी है जो स्विफ्ट डिज़ायर है, बट अपना जो किलोमीटर कम हो गया स्विफ्ट के अंदर हो रहा। और ये 17 मॉडल में गए। ये इसका जो IC है 70F35 एक्सेस कलर वीडियो मीटर है। इसको इंटर मारते हैं, ओडोमीटर रिकलिब्रेशन इंटर मारते हैं। इसका बैकअप लेता है, जो अगर बाय द वे कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर से दोबारा हम डाल सकें। तो अभी हम ऐसे लिख लेते हैं स्विफ्ट, लिख कर इंटर मार, इनपुट वैल्यू। जो अपने क्लस्टर मीटर यानी कि गाड़ी के अंदर जो मीटर है ओल्ड वाला, वो अपने DP5 में शो कर दिया। आप देख सकते हैं इसमें भी 45,123 किलोमीटर है। अब न्यू किलोमीटर इसके अंदर डालेंगे 45,120 किलोमीटर, 5451200। पैंतालीस हजार 120 किलोमीटर। अब इसको इंटर मारते, अभी आप देख सकते हैं अपने गाड़ी के अंदर 45,120 किलोमीटर हो गया है। और अपना यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है इसको थोड़ा समझना जरूरी है। डिस्कनेक्ट द पावर आफ्टर 30 सेकेंड, और ये अपना काम डाउन हो गया है, ठीक है। अभी 30 सेकेंड के लिए इसका पावर डिस्कनेक्ट करते हैं, चाबी ऑफ कर दें या बैटरी का लीड निकाल देते हैं।